हेलो एवरीवन, फर्स्ट वीडियो में मैंने बात किया था बहुपद क्या है। ठीक है, तो बहुपद क्या है मैंने सीख लिया। बहुपद कितने प्रकार का होता है ये भी सीख लिया। एक बार फिर से रिपीटेट कर लेते हैं। यहाँ पे एक पदी और बहुपदी क्या है। ठीक है, तो एक पदी और बहुपदी। ठीक है, तो यहाँ पे एक पदी का मतलब है जिसमें केवल एक पद हो, यानी वह बीजी व्यंजक जिसमें केवल एक पद हो उसे एक पदी कहते हैं। क्लियर। और बहुपदी किसे कहते हैं, जिसमें एक से अधिक पद हो उसे हम बहुपदी कहते हैं। क्लियर, जिसमें एक पद हो उसे हम एक पदी कहते हैं और जिसमें एक से अधिक पद हो उसे हम बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स बहुपद कितने प्रकार का होता है, यहाँ देखिए द्विपदी, त्रिपदी, बहुपदी, यानी बहुपद के प्रकार क्या है। एक पदी जिसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं, द्विपदी जिसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं, मतलब द्विघात संयुक्त के रूप में कहते हैं, और त्रिपदी शून्यपदी। ठीक है, तो अचर बहुपदी क्या है गाइस, अचर बहुपद। ठीक है, अचर बहुपद का मतलब क्या है कि जिसमें दो, यानी दो, तीन, पाँच और सात आदि एक बहुपद है, ऐसे बहुपद को अचर बहुपद कहते हैं। यानी फ्रेंड्स कहने का मतलब है जो नंबर्स होते हैं 1, 2, 3 इसे हम क्या कहते हैं, अचर बहुपद। यानी कोई भी नंबर्स हो, प्लस में हो या माइनस में, वो अचर बहुपद कहलाता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स शून्य बहुपद क्या है, शून्य बहुपद। ठीक है, शून्य बहुपद वह भी एक बहुपद है, इसे शून्य बहुपद कहते हैं। फ्रेंड्स शून्य का भी एक बहुपद होता है। ठीक है, या किसी बहुपद में चर है तो इसे पी एक्स या क्यू एक्स या आर एक्स लिखा जा सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल्स है, पी एक्स इक्वल टू 4x² + x + 3। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल में यहाँ पे दिया गया है यह एक बहुपद है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x³ + x² + 2 यह भी एक बहुपद है, 5x + y यह भी एक बहुपद है। ठीक है गाइस, बहुपद हमें क्लियर हो गया। शून्य बहुपद किसे कहते हैं, शून्य एक्स, ये शून्य बहुपद है, शून्य x²। ठीक है, ये सभी शून्य बहुपद हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुपद की घात क्या है, बहुपद की घात किसे कहते हैं। ठीक है, किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद को, घातांक को बहुपद की घात कहा जाता है। यानी कोई भी चर हो उसकी मैक्सिमम घात को हम बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल्स में जैसे यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, इसमें देखिए मैक्सिमम घात यहाँ पे स्क्वायर है, तो यानी इस बहुपद का, इस बहुपद की घात क्या होगी, इस बहुपद की घात क्या होगी, 2। ठीक है गाइस, तो इस बहुपद की घात क्या होगी, 2 होगी। फर्स्ट क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, अतः यहाँ पर बहुपद की घात 2 है, चूँकि यक्स की अधिकतम घातांक क्या है, यक्स की अधिकतम घातांक 2 है। क्लियर, और ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, किसी बहुपद की घात 2 है, ऐसे बहुपद को हम क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। क्लियर, यानी अगर कोई भी बहुपद है x² + 5x + 3, गाइस घात देखिए यहाँ पे 2 है, इसलिए यह क्या होगी, द्विघात बहुपद होगा। क्लियर, अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए दूसरा एग्जांपल है ये, अब x³ है, मैक्सिमम घात क्या है, 3, तो इसकी घातांक क्या होगी, इसकी घात क्या होगी फ्रेंड्स, इसकी घात होगी 3।
अभी मैंने पढ़ा जिसकी घात मैक्सिमम हो वही क्या होता है, घात कहलाता है। ठीक है, यानी यहाँ बहुपद की घात 3 है, क्योंकि यहाँ दिए गए बहुपद की चर की अधिकतम घात क्या है, 3। क्लियर फ्रेंड्स? अब फ्रेंड्स, जिसकी अगर किसी भी बहुपद का 3 घात है, ठीक है, यानी 3 घात है, तो यह एक क्या होगा, त्रिघात बहुपद, यानी त्रिपद बहुपद होगा। ठीक है, यानी जिसकी घात 3 हो वह त्रिपद बहुपद कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर? अब फ्रेंड्स आइए देखते हैं नीचे स्क्रॉल डाउन पे। फ्रेंड्स तीसरा एग्जांपल यहाँ पे लिखा गया है 5x + y। क्लियर फ्रेंड्स, इस बहुपद में चर की घातें केवल 1 हैं, यानी जिसकी घात नहीं होती उसके ऊपर हमेशा घात 1 होता है। तो x के घातें 1 हैं, ठीक है, यानी इसकी घात क्या होगी, केवल 1 होगा। ठीक है, y की घातें 1 है तो इसकी घात भी होगी क्या, 1। क्लियर, यानी जिसकी घात कुछ ना हो उसकी घात हमेशा 1 होती है। और फ्रेंड्स जिसकी घात 1 होती है, घात 1 होती है, वह रैखिक बहुपद होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यदि किसी बहुपद की घात 1 है तो उसे हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। क्लियर, तो रैखिक बहुपद होता है। अब फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे रैखिक बहुपद हो गया। फ्रेंड्स अब क्या है, यहाँ पे शून्योत्तर अचर बहुपद की घात। क्लियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे शून्योत्तर अचर बहुपद की घात क्या है, एक शून्योत्तर अचर बहुपद की घात 0 होती है। क्लियर, यदि कोई शून्योत्तर अचर बहुपद की घात पूछे तो उसकी घात हमेशा 0 हो गई। ओके फ्रेंड्स, यानी कोई भी शून्योत्तर अचर बहुपद की घात हमेशा 0 होगी। क्लियर, तो फ्रेंड्स ये तो बात क्लियर हो गई। तो फ्रेंड्स आइए कुछ क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन के बारे में हम भी बात करेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन, जो बड़ा करके हमें देखना पड़ेगा। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का 2.1 का, यानी सेकंड चैप्टर का पहला अध्याय है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है 4x² - 3x + 7। फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, NCERT में यहाँ पे पूछ रहा है कौन कौन बहुपद है, कौन कौन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कौन कौन सा बहुपद है, कौन कौन सा नहीं है, कैसे है। ठीक है, तो फ्रेंड्स फर्स्ट एग्जांपल में यहाँ पे देखिए 4x² - 3x + 7। ठीक है गाइस, मैंने अभी बताया जिसमें चर अचर, चर का गुणांक, चरों का योगफल सब समाहित हो उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद। यानी यह एक चर में बहुपद है। ठीक है, तो यह एक चर में बहुपद होगा। क्लियर, अब व्याख्या में देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से सब कुछ समझा के लिखाएं हमने, इसे बहुत अच्छे से टाइप कराया हूँ। तो यहाँ पे देखिए कलर में भी कराया हूँ ताकि आपको सब कुछ अच्छा लगे। तो यहाँ पे चूँकि इस बहुपद में केवल एक चर है तथा घातांक जो है धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यह एक बहुपद होगा। दूसरा देखिए, घातें 2 हैं। फ्रेंड्स ये भी देखिए एक चर में बहुपद है, बहुपद पूछा जा रहा है। यानी फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर बहुपद होने का कारण है कि उसमें केवल एक चर हो, यानी XYZ मैक्सिमम ना हो, ठीक है, केवल एक चर हो, उसी को हम कहते हैं बहुपद। ठीक है, तो यह एक बहुपद हो गया, यह भी बहुपद हो गया। फ्रेंड्स ये देखिए, और फ्रेंड्स जिसकी घात, यानी यदि कोई चर है उसकी घात हम अगर भिन्न में है, ठीक है, तो वह एक चर नहीं होगा, यानी चर बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, कड़ी है, कड़ी का मान 1/3 होता है, यानी टी है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, सॉरी टी है, कड़ी लगा हुआ है, तो कड़ी का मान क्या होता है, 1/2, तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, तो ये बहुपद नहीं होगा। क्लियर, तो यह एक बहुपद नहीं होगा। क्लियर,
तो यह बहुपद नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए व्याख्या में लिखा गया है, चूँकि इस दिए गए व्यंजक के चर टी का घात 1/2 है जो एक पूर्ण संख्या नहीं है, अतः यह एक बहुपद नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए चौथा एग्जांपल क्या है, यह भी फ्रेंड्स अगर कोई भी अचर पद है, यानी अचर पद कोई भी हो जाए, 5 है अगर हर में चर संख्या लिखा गया है, ठीक है चर पद लिखा गया है तो यह एक अचर पद होगा। ठीक है तो यह एक अचर पद होगा। क्लियर फ्रेंड्स? तो ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए ये एग्जांपल्स यहाँ पे है 2/y, हर में चर संख्या है यानी चर पद है तो यह एक बहुपद नहीं होगा। क्लियर? तो यह एक बहुपद नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे लिखा गया है, चूँकि इस दिए गए व्यंजक के चर y का घात -1 है जो कि एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है। ठीक है तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब है कि क्या था क्वेश्चन में था कि यहाँ पे 2/y था, यानी 2/y बटे में y है, यानी कहने का मतलब है कि y^1 होगा। ठीक, तो y को ऊपर लेके जाएंगे तो y^-1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 है। ठीक है तो यहाँ पे 2 है तो y^-1 हो जाएगा, तो इसलिए यह एक बहुपद नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह एक बहुपद नहीं होगा, समझ में आया? तो फ्रेंड्स अब इसके बाद ध्यान दीजिए फ्रेंड्स कि पाँचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। पाँचवा क्वेश्चन कह रहा है, देखिए यहाँ पे, अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए यक्स वाई टी, यहाँ पे 3 चर हैं, जहाँ पे मैक्सिमम चरों की संख्या हो वह एक बहुपद नहीं होता है। ओके, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, तो मैक्सिमम चर हो तो वह एक बहुपद नहीं होता है। ठीक है तो यह एक बहुपद नहीं होगा। क्लियर? ठीक है फ्रेंड्स, तो यह एक बहुपद नहीं होगा। ठीक है तो फ्रेंड्स इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो साफ ना दिखाई दे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो की क्वालिटी को ज़रूर बढ़ा दीजिएगा, ताकि आपको सब स्पष्ट दिखाई दे। ठीक है तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट दूसरा क्वेश्चन का फर्स्ट एग्जांपल है, क्या कर रहा है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। फ्रेंड्स एक्स स्क्वायर का गुणांक, या गुणांक का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, मैंने अभी फर्स्ट वीडियो में बताया था आपको कि जो चरों का गुणांक होता है। ठीक है, चरों का जो गुणांक होता है, जैसे यहाँ पे लिखा गया चर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, जहाँ पे किसी नंबर्स का मल्टीप्लाई नहीं होता वहाँ हमेशा 1 होता है, तो इसमें चर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पे 1 है। क्लियर? एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1। एक्स का गुणांक कितना है, 1। ठीक है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आंसर आ गया 1। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, एक्स क्यूब लिखा गया है, और यहाँ पे फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में क्या कहा है, केवल एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में केवल एक्स स्क्वायर का कह रहा है, तो एक्स स्क्वायर का ही हम देखेंगे, तो एक्स स्क्वायर का ध्यान दीजिए -x² है, तो -1 होगा इसके पास गुणा, क्योंकि -1 रहेगा तभी यहाँ पे होगा। ठीक है, तो -1 में एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर में -1 का गुणा करेंगे तो -x² आएगा। ठीक है, यानी इसमें किसका मल्टीप्लाई है, -1 का। क्लियर? तो ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो फ्रेंड्स तीसरे में देखिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या दिया है, π/2 एक्स स्क्वायर, तो गुणा किसका है, π/2 का, यानी आंसर क्या होगा, π/2। क्लियर? तो फ्रेंड्स एक्स स्क्वायर का यहाँ पे गुणांक क्या है, π/2। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन और है,
कर्डिम टू एक्स, कर्डिम टू और बगल में एक्स है, यानी फ्रेंड्स कर्डी अंदर है, कर्डी टू अलग, यानी मल्टीप्लाई क्या है इसमें कर्डी टू का, ठीक है। तो यहाँ पे कर्डी टू का मल्टीप्लाई है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा गया था, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है इस सवाल में, नहीं है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी कॉस नहीं है, ठीक है। यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ क्या हो जाएगा, जब कुछ नहीं है तो कुछ नहीं मतलब सुनना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, सुनना, क्लियर, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह ये भी टॉपिक आपको, फर्स्ट चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए देखते हैं अभी और क्वेश्चंस बाकी हैं, देख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड। देख लिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 5, ठीक है, क्वेश्चन संख्या 5 बताइए, ठीक है। कह क्या रहा है, कह रहा है कि देखिए सॉरी यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए रैखिक कह रहा है कौन कौन रैखिक बहुपद है और कौन कौन द्विघात बहुपद, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने बताया था रैखिक बहुपद का मतलब होता है कि घात एक हो, जिसकी घात एक होती है उसे हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद, क्लियर। तो अब फ्रेंड्स घात जिसकी एक हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, और जिसकी घात दो है उसे हम क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद, ठीक है। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर यानी घात कितनी है, यहाँ पे घात यहाँ पे दो है, तो यह क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद, क्लियर फ्रेंड्स। तो यह एक क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद, ठीक है। यहाँ पे देखिए व्याख्या में लिखा गया है, ठीक है फ्रेंड्स, व्याख्या में चूँकि दिए गए बहुपद की घात दो है इसलिए यह एक द्विघात बहुपद कहलाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखिए एक्स एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स पावर तीन, फ्रेंड्स ध्यान दीजिए यह एक द्विघात बहुपद नहीं है, यह एक घात तीन है फ्रेंड्स। मैंने बताया था जिसकी घात तीन हो उसे हम क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद, क्लियर। यह एक द्विघात बहुपद और रैखिक बहुपद नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने में बहुत बहुत मुश्किल तो होती है, बट खुशी होती है जब कोई देखता है तो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं अभी नीचे क्वेश्चन है, स्क्रॉल डाउन करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए यहाँ पे घाते दो हैं, सीधे सीधे दिखाई दे रहा है वाई स्क्वायर, ठीक है। वाई स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, यह एक द्विघात बहुपद है, ठीक है, द्विघात बहुपद हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो यह एक द्विघात बहुपद हो गया, यहाँ पे लिखा गया है फ्रेंड्स, चूँकि दिए हुए बहुपद की घात दो है इसलिए यह एक द्विघात बहुपद है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए वन प्लस एक्स, एक्स एक्स की घात कुछ नहीं है, जहाँ पे कोई घात नहीं होता वहाँ हमेशा एक होता है, यानी घात एक है तो इसलिए क्या हो गया, यह एक रैखिक बहुपद, जिसकी घात एक है उसे हम कहते हैं रैखिक बहुपद, ठीक है फ्रेंड्स। तो यह एक रैखिक बहुपद हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हो गया क्या, रैखिक बहुपद, ओके। तो यह एक रैखिक बहुपद हो गया, ठीक है, क्योंकि घात एक है, चूँकि दिए गए बहुपद की घात एक है इसलिए यह एक रैखिक बहुपद होगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए थ्री टी फ्रेंड्स, यह टी टी है एक क्या है, चर, चर की घात कुछ नहीं, यानी जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ हमेशा एक होता है, तो यह क्या हो गया फ्रेंड्स, इसकी घात क्या होगा, एक फ्रेंड्स, एक घात है तो यह एक क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया उत्तर में, चूँकि दिए हुए बहुपद की घात एक है इसलिए एक रैखिक बहुपद, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स आर स्क्वायर लिखा गया है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए घात क्या है, दो, सीधे दिख रहा है जिसकी घात दो हो वह एक द्विघात बहुपद कहलाता है, तो यह एक द्विघात बहुपद कहलाता है, जिसकी घात दो हो उस वो हमेशा द्विघात बहुपद कहलाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यह एक क्या हो गया, द्विघात बहुपद फ्रेंड्स। ये यहाँ पे देखिए घात तीन है, तीन घात है तो क्या हो गया, त्रिघात बहुपद हो जाएगा, ठीक है। तो यह एक त्रिघात बहुपद हो जाएगा, ठीक है। तो यह एक क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद, क्लियर।
एक त्रिघात बहुपद, चूंकि दिए गए बहुपद की घात 3 है इसलिए एक त्रिघात बहुपद होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे घात 3 है इसलिए एक त्रिघात बहुपद हो जाएगा। ओके ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह हमारा ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस चैप्टर में अगर कोई भी परेशानी दिख रही हो, कोई भी छोटी सी छोटी प्रॉब्लम, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। और अगर इस वीडियो में कोई भी गड़बड़ी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर दीजिएगा। हाँ, और साथ में इस वीडियो को सभी स्टूडेंट के पास शेयर कर दीजिएगा और साथ ही सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर पहली बार आए हैं तो। ठीक है, तो इस वीडियो को सभी स्टूडेंट के पास भेजना अनिवार्य है, बिकॉज लॉकडाउन के कारण सभी स्टूडेंट की पढ़ाई स्थगित हो गई है। प्लीज़ आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे यही उम्मीद है कि आप हमारी इस मनोकामनाओं को ज़रूर पूर्ण करेंगे, सभी स्टूडेंट के पास शेयर ज़रूर करेंगे। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। भगवान इस वीडियो को सभी स्टूडेंट के पास जल्द से जल्द पहुंचाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।